आज बनाएंगे इंस्टेंट कुकर वाली बिरयानी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें जीरा डाल दिया है। मैंने प्याज को लंबे लंबे काट के रखा हुआ है, आलू और गोभी काट के रखा है, धो के रखा हुआ है। इसमें मैं इंस्टेंट बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। अब इसमें जीरा क्रैकल होने लगा है तो इसमें मैं अब अपना कटा हुआ प्याज जो बारीक काटा था लंबे लंबे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। स्टर करेंगे अच्छे से और फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे टू स्पीड अप द प्रोसेस, जल्दी से फ्राई हो जाता है अगर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया तो। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है प्याज, तो इसमें मैं गोभी डाल दूँगी कटी हुई और आलू डाल दूँगी जो मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसमें मैं ये इंस्टेंट बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत इजी है और कोई भी इंडियन ग्रोसरी में मिल जाता है। थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया है इसमें और इसको कर देंगे फिर से अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। और इसमें मैं अब ये थोड़ा सा फ्रोज़न मटर डाल दूँगी, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप वो यूज़ करो। और फिर उसके बाद ये जो मैंने राइस धो के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया हुआ है और इसको कर देंगे फिर से मिक्स मिक्स मिक्स। और इसमें डाल देंगे पानी, सो अगर आप एक कप राइस ले रहे हो तो 2 कप पानी डाल दो और इसको कर दो मिक्स। थोड़ा सा इसमें अब मैं डाल दूँगी सॉल्ट, सॉल्ट डाल देंगे अच्छे से और फिर से कर देंगे मिक्स। और ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें लीड लगा के इसको 3 सीटी आने तक पका लूँगी। 3 सीटी आने के बाद इसको खोल लेंगे और इसको सर्व कर देंगे। ये ऐसा दिखता है, बहुत ही टेस्टी यम्मी। इसको घी के साथ सर्व कर दो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।